कि कोई भी स्ट्रिंग छोटा नहीं है, कोई भी स्ट्रिंग बड़ा नहीं है, सब स्ट्रिंग इक्वल है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि यार तुम आफ्टर क्लास 10 क्या क्या सब्जेक्ट। हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम आकाश, यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। आज के वीडियो के अंदर हम ये लेके बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग विथ योर स्ट्रिंग। ठीक है, अगर तुम साइंस ऑप्टेट कर रहे हो तो तुमको यार क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए टू गेट अ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, अगर तुम कॉमर्स ले रहे हो तो तुमको यार क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर लेना है। एंड अगर तुम आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स के अंदर भी यार क्या क्या फ्यूचर या फिर कितना अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, हम ये सारे कुछ लेके इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया यार, जाकर कर सकते हो क्योंकि मैं उधर लाइव आता रहता हूँ एंड तुम लोगों से डायरेक्ट बात भी करता हूँ। तो मैं जो लास्ट वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैं तुम लोग क्लास 11 का बुक शो किया था या फिर रिव्यू किया था, उसके अंदर तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते। ठीक है, लाइक भैया हम मैथ्स लेना चाहते हैं एंड हम कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जाना चाहते हैं, तो मैथ्स क्या कॉमर्स का मैथ्स एंड साइंस का मैथ्स क्या सेम होते हैं? प्लस या हम आर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं तो हम क्या आर्ट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ऑप्टेट कर सकते हैं? सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सवाल था तो हम सारे कुछ लेके इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद साइंस। व्हाट आर द कंपलसरी सब्जेक्ट व्हिच आर देयर इन आवर साइंस? ठीक है, सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको और एक चीज बोल देता हूँ कि आईएससी एंड सीबीएसई के अंदर तुमको यार ये मैटर करता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। ठीक है, यार कौन सा स्कूल तुमको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है या फिर ऑफर कर रहा है? देखो आईएससी एंड सीबीएसई के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्पेशली आईएससी के अंदर तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लाइक योर फैशन डिजाइनिंग, लाइक योर आईटी, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बट हम लोगों के स्कूल, मतलब हम लोग ये लोकल स्कूल्स है, ये स्कूल ना तुमको यार बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफर नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर से तुमको यार एक लिमिट मिलेगा कि हाँ एक स्कूल इतना सा वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है इन योर क्लास 11, एक स्कूल तुमको सिर्फ इतना सा वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यार एक ही है कि अगर वो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट तुमको ऑफर करेगा, मतलब अगर ज्यादा सब्जेक्ट तुमको ऑफर करेगा इन क्लास 11, ऑन दैट टाइम 11 एंड 12 के लिए उस पर्टिकुलर स्कूल को टीचर भी रखना पड़ेगा फॉर टीचिंग दैट सब्जेक्ट। सो पैसा बचाने के लिए स्कूल ये सब करते हैं बोल सकते हो। ठीक है, बट डिपेंड करते हैं, मैटर करते हैं, बहुत कुछ वैरी करते हैं, बट हम उसके अंदर नहीं आएंगे। हम डायरेक्टली आएंगे ये क्या क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है या फिर व्हाट आर द कंपलसरी सब्जेक्ट इन योर साइंस। तो साइंस के अंदर दो टाइप के हैं, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर पहले एक वीडियो के अंदर बात किया था, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड पीसीएम एंड व्हाट यू कॉल्ड पीसीबी। ठीक है, एंड पीसीएमबी, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। कुछ स्कूल सुनकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑफर करते हैं, कुछ स्कूल्स या तुमको पीसीएमबी करते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, और कुछ स्कूल्स तुमको पीसीबी भी करते हैं। इसके साथ भैया क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे या फिर कौन सा हमको ऑप्टेट करना चाहिए? ठीक, चाहे तुम आईएससी की बात करो या फिर सीबीएसई, इंग्लिश इज द कॉमन सब्जेक्ट विद ईच एंड एवरी स्ट्रीम। हर एक स्ट्रीम के अंदर इंग्लिश तो कॉमन सब्जेक्ट है ही। ठीक है, चाहे तुम सीबीएसई में जा रहे हो या फिर आईएससी में। तो अगर तुम आईएससी की या फिर सीबीएसई की बात करो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही तुम ले सकते हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो भी तुम ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट मेनी ऑफ द स्कूल्स ऑफर यू पीसीएमबी एंड पीसीबी और पीसीएम। तो मेरे स्कूल के अंदर सिर्फ पीसीएम था एंड पीसीएमबी था। ठीक है, एंड मैंने यार पीसीएम लिया था। और एक बात यार, वीडियो प्रोसीड करने से पहले यार तुम लोग मेरे को बोलो कि तुम क्या क्या सब्जेक्ट ले रहे हो या फिर तुम क्या क्या सब्जेक्ट चूज करने वाले हो, because this video is specially for all those students who are right now coming from class 10 to class 11. ठीक है, मेरे को बताना जरूर नीचे comment section के अंदर। So second thing क्या है, commerce के अंदर क्या क्या compulsory subject है? So देखिए यार, इधर बहुत सारे permutations combinations होते हैं in your commerce, inside your commerce and inside your humanities also, ये school to school matter करते हैं, but English is तो compulsory है। इसके साथ accountancy and commerce, ये दो subject है तुमको ऑप्टेट करना पड़ेगा या फिर ये सब्जेक्ट ज्यादातर स्कूल तुमको ऑफर करते हैं। ठीक है, हम इसके बाद इसके अंदर आएंगे कि क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट तुमको ऑप्टेट करना चाहिए गेट सक्सेसफुल इन योर करियर। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट जो तुमको बाद में आके बहुत ज्यादा फ्यूचर में बहुत बड़ा सा प्रोस्पेक्ट है, हम ये लेके बात करेंगे। सेकेंड थिंग ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज के अंदर तो इंग्लिश तो कंपल्सरी है, इसके साथ तुम हिस्ट्री, साइकोलॉजी, होम साइंस ये मैटर करते हैं। ठीक है, कुछ स्कूल तुमको हिस्ट्री, साइकोलॉजी, होम साइंस दे रहे हैं, कुछ स्कूल्स तुमको ज्योग्राफी, पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या फिर बोल सकते हो यार सोशियोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज देते हैं या फिर ऑफर करते हैं। ठीक है, सो राइट नाउ वी विल कमिंग टू दैट थिंग जो तुमको बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है। तो ह्यूमैनिटीज के अंदर
अगर तुम ये चीज़ को लोगे, मतलब जियो और इकोनॉमिक्स, मतलब जियो प्लस इकोनॉमिक्स को अगर तुम लोगे, इसके साथ अगर तुम मैथमेटिक्स रखोगे, इफ यू आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज ऑन दैट टाइम, दिस मेक्स अ भयंकर कॉम्बिनेशन। ये बहुत एक डेंजर कॉम्बिनेशन, लेकिन एक डेंजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम बाद में जाके इको जियो ले सकते हो, या फिर इको जियो लेके पढ़ सकते हो, उसके साथ अगर मैथ्स रहता है। ये चीज यार एक भयंकर करियर ऑप्शन है, ठीक है? मतलब साइंस के लिए बच्चे करने वाले हैं, उससे बहुत बेहतर तुम कर पाओगे। एंड मैं स्वयं, मेरे बहुत सारे आसपास के पड़ोसी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यार ये इको जियो लेके एक अच्छा रैंक पे जाया है, ठीक है? मेरा एक खुद का एक दीदी है, वो हैव टेकन दिस इको जियो प्लस मैथमेटिक्स, एंड राइट नाउ शी इज इन अ वेरी गुड पोस्ट, मतलब टीचिंग के लाइन पे बहुत ऊपर तक गया है। प्लस बहुत सारे चीजें ऑपरेट कर सकते हो। हाँ यार, मैटर करते हैं। एंड और एक चीज मैं तुम लोगों के बोलना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रीम छोटा नहीं है, कोई भी स्ट्रीम बड़ा नहीं है, सब स्ट्रीम इक्वल है। ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि यार तुम आफ्टर क्लास 10 क्या क्या सब्जेक्ट परस्यू कर रहे हो, या फिर क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हो। अगर तुम घातक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उसके साथ अगर उतना अच्छा मार्क्स भी ले पा रहे हो, या फिर ले आ रहे हो इन योर क्लास 12, देन तुमसे अच्छा कोई नहीं होगा, ठीक है? चाहे वो आर्ट्स साइंस का ही बच्चा, या फिर कॉमर्स का, या फिर ह्यूमैनिटीज का, ठीक है? सो राइट नाउ वी आर स्पीकिंग अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट तुमको लेना या फिर तुमको ऑप्टेट करना चाहिए, ठीक है? तो मैं फर्स्ट बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर तुम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो साइंस के अंदर या फिर कॉमर्स के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑन दैट टाइम आई वुड रिकमेंड टू टेक कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी बच्चा ले सकते हैं, चाहे तुम साइंस से हो, आर्ट्स से हो, या फिर कॉमर्स से, ठीक है? एंड कंप्यूटर साइंस ये मतलब नहीं कि सिर्फ साइंस के बच्चा ही ले पाएगा। एंड यार मैं कंप्यूटर साइंस उनको लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस का प्रोस्पेक्ट बहुत बड़ा है। अगर तुम क्लास 12 में अगर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस रहेगा, एंड अगर तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे या फिर कर पाओगे, देखो यार श्योरली तुम कर पाओगे, क्योंकि यार मैं पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है, मेरा सेकंड चैनल है लर्न विद आकाश, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया, उस चैनल के अंदर पूरा 11 एंड 12 का कंप्यूटर हमने ऐसे करके तुमको तैयार करवाएंगे कि यार तुम एटलीस्ट 100 में 100 अंदर 95 के ऊपर फोड़ पाओगे। एंड ऊपर से यार कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेक्ट है। एंड राइट नाउ मार्केट इज कंप्यूटर बेस्ड, चाहे तुम मशीन लर्निंग करो, चाहे तुम AI पढ़ो, या फिर तुम इंजीनियरिंग करो, या फिर तुम वेब डेवलपमेंट करो, या फिर तुम एनिमेशन करो, ये सारी चीज कंप्यूटर से बहुत ज्यादा रिलेट है। इसके साथ अगर मैं बोलूंगा, अगर तुम कॉमर्स ले रहे हो, एंड अगर तुम्हारा ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एंड तुम मैथ्स के अंदर उतना अच्छा नहीं हो, तो ऑन दैट टाइम आई विल रदर रिकमेंड टू टेक BST, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज अ वेरी गुड सब्जेक्ट जिसके अंदर तुमको बाद में जाके बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड अगर तुम बोलोगे भैया क्या लेंगे, कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन तुम ले सकते हो इसके अंदर, अगर तुम्हारे बायोलॉजी नहीं है ऑन दैट टाइम, तो ये स्कूल टू स्कूल मैटर करते हैं। तुम कंप्यूटर भी ऑपरेट कर सकते हो, तुम फिजिकल एजुकेशन भी ऑपरेट कर सकते हो, या फिर इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऑपरेट सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज लेने से बेहतर होगा, मैं बोलूँगा फिजिकल एजुकेशन ले लो, मार्क्स ज़्यादा उठता है, ठीक है? हिंदी लेने से अच्छा होगा। एंड कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल स्ट्रीम है अलोंग विथ योर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अभी के लिए मार्केट बहुत अच्छा है, तुम बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है? एंड सेकेंड थिंग, मैंने स्वयं तुमको सेकेंड चैनल के अंदर पढ़ाऊंगा कंप्यूटर साइंस, जो कि यार तुमको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड राइट नाउ दिस अदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन व्हिच यू कैन टेक फिजिकल एजुकेशन, सेकेंड लैंग्वेज हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड EVS प्लस मच मोर। तो जैसे कि यार एक फैशन डिजाइनिंग सब्जेक्ट हो गया, जो बहुत सारा जो लड़कियां हैं, मतलब माई गर्ल सब्सक्राइबर्स या फिर लाइक माई बहन, तुम लोगों के यार बहुत सारे लोग यार फैशन डिजाइनिंग पढ़ने का बहुत मन है, वेरी गुड। बट फैशन डिजाइनिंग बहुत कम स्कूल तुमको यार ऑफर करते हैं, बिकॉज फैशन डिजाइनिंग के लिए जो चाहिए या फिर वो टीचर स्कूल्स के अंदर नहीं होता, ठीक है? तुमको सारे टीचर्स मिल जाएगा, हिंदी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का, बट फैशन डिजाइनिंग का टीचर बहुत कम मिलता है। बट ये एक अच्छा ऑप्शन है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, दोज हू वांट टू परस्यू मॉडलिंग एंड ऑल इन योर फ्यूचर। यही सारे चीज है। एंड और एक चीज मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ बिफोर एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, क्या जो लोग तुमने पूछे थे कि भैया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर का क्या सिलेबस एक है, देखो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर का सिलेबस सेम है, चाहे तुम कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, या फिर आर्ट्स ले रहे हो, ये दोनों का सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। एंड अगर मैथमेटिक्स तुमको यार अगर हर एक चीज के साथ रहेगा, या फिर अगर तुम लेते हो ऑन दैट टाइम, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर तुम बैठ पाओगे, लाइक योर NDA,
BDA, बहुत सारे मतलब ऐसे एग्जाम्स है कि NDA के अंदर मैंने स्वयं दिया था, तो वो एग्जाम के लिए लोगों को मैथमेटिक्स चाहिए, चाहे तुम आर्ट्स ले रहे हो, चाहे तुम साइंस ले रहे हो या फिर तुम कॉमर्स। तो दैट इज फॉर टुडे। नाउ मैंने यार बोल दिया क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम क्या ले सकते हो या फिर तुम ले पाओगे, कौन सा बेस्ट होगा जो तुमको एक अच्छा फ्यूचर की तरफ धकेल देगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुमने यार वीडियो को लाइक किया, लाइक करना। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो प्लीज फ्रेंड के साथ शेयर करना। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड टाइम। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड।